बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आप सबको हमेशा ऐसे हंसता बसता खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और इसी तरह प्यारे प्यारे ड्रेस क्रिएट करते रहें। तो चलें जी, बढ़ते हैं खूबसूरत सी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो आप देख सकते हैं भाई, टोटली ऑर्गेन्जा के साथ स्लीव के आइडियाज़ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, बिल्कुल लेटेस्ट वाले आइडियाज़ हैं। तो आजकल सच में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना व्यूअर्स के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम देख लें, गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, तो या इसके अलावा डिफरेंट आप लोग लाइव जाके ब्रांड्स पर देख सकती हैं, बुटीक्स पर देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा के साथ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से जो ना ऑर्गेन्जा छाई हुई है और अभी तक छाई हुई है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा लगाने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि स्लीव की लेंथ अगर कम आ रही है तो आप लोग एज अ जॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोग उसको इस तरह डिज़ाइनिंग करके तो खूबसूरत सा जॉइंट कवर भी कर सकती हैं और इस तरह लगेगा जिस तरह डिज़ाइनिंग की है। या इसके अलावा आप लोग स्लीव के आगे एज अ पैच बढ़ा के लगा सकती हैं। तो इसी तरह सेम आप लोग घेरे या ट्राउज़र पर भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो मैं वो वाली डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ जो आप लोग ट्राउज़र पर और घेरे पर भी कर सकती हैं। और इसके अलावा आप लोग जॉइंट को कवर करने के लिए और ऑर्गेन्जा अप्लाई करके तो ऊपर आप लोग साथ कोई भी सीडी लेस अप्लाई कर सकती हैं या कोई भी प्यारी सी शटल लेस अप्लाई कर सकती हैं या डिफरेंट बीड्स के साथ भी आप लोग आइडियाज़ देख सकती हैं। और ऑर्गेन्जा के ऊपर आजकल थ्रेड वाली बड़ी डिज़ाइनिंग चल रही होती है या पिंटेक्स चल रहे होते हैं, कि ऑर्गेन्जा के ऊपर आप लोग कोई भी सिलाइयाँ लगा सकती हैं या चुनर डाल सकते हैं या पिंटेक्स ऐड करके, तो फिर आप लोग साथ कंट्रास्ट करके भी लगा सकती हैं। तो बिल्कुल आप लोग सेम ऑर्गेन्जा भी लगा सकती हैं और कंट्रास्ट करके भी लगा सकती हैं। और जब आप लोग सेम बाय करेंगी तो थोड़ा बहुत जो फ़र्क है ना वो लाजमी ही आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉन जो होती है वो सूती होती है और ये जो है ना थोड़ा रेशमी टाइप में चला जाता है, तो इनकी थ्रेड की वजह से ये हमेशा कभी भी नहीं मैच हो सकते। तो हल्का फुल्का जो है ना वो 9-10 का फ़र्क तो लाजमी रहेगा। खैर ये 9-10 का फ़र्क क्या होता है इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मैंने बस बोल दिया अंदाजे से। मतलब 1-2 नंबर जाना वो लाइटर या डार्कर तो ज़रूर ही ऑर्गेन्जा होती है। तो बाकी आप लोग उसके सेंटर में भी लेस लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी शटल लेसेस भी आप लोग देख सकती हैं। तो इस तरह के भी आइडियाज़ आप लोग पूरी वीडियो में ही देख सकते हैं। तो काइंडली वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोग माशाल्लाह ढेरों ढेर कर रहे हैं। ओके जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।